और रात्रि क्लास चल रहा था, तीन ग्यारह 1966, 4th पेज के मध्य में बात चल रही थी, गीता में अक्षर है मन मना भव का, अर्थात मेरे मन में समा जा। किसने कहा? शिव को मन है, शिव बाबा ने कहा कि मेरे मन में समा जा। जिस सर्कल में प्रवेश करते हैं तो शिव बाबा का मन क्या कहता है? मेरे संकल्प है, वही संकल्प तुम्हारा। शिव बाबा का मन कहता है मैं बाप समान, क्योंकि बाप आया ही इसलिए है कि मैं बच्चों को आप समान बनाता हूं। नंबर वन, तो शिव बाबा का मन मन मना भव, अर्थात शिव का दिल मन कहो किसके ऊपर है? बच्चों में भी नंबर वार हैं, क्योंकि दुनिया में भी जो बाप होते हैं उनका दिल, बच्चे तो अनेक होते हैं लेकिन दिल बड़े बच्चे पर होता है, क्योंकि भगवान बाप आत्माओं का बाप भी सृष्टि पर आता है, तो अपने बड़े बच्चे पर विशेष आकर्षित होता है। तो आता है किसके पीछे भाग के आता है? है शिव बाप आत्माओं का बाप, बड़े बच्चे के पीछे भाग के आता है। शिव को कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव, ब्रह्मा मूर्ति, ब्रह्मा देव, विष्णु मूर्ति, विष्णु देव, और फिर देव देव महादेव। ब्रह्मा देव विष्णु देव दोनों में भी बड़ा महादेव, तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? है देवताओं में भी महा माने बड़ा, महादेव बड़ा बच्चा हुआ, तो बड़े बच्चे पर जास्ती बाप की आस होती है ना, कि मेरी दुकान संभालेगा, कारखाना संभालेगा। शिव बाप का कारखाना कौन सा है, कौन सी दुकान है? ये जो षष्ठी रूपी रंगमंच है ये शिव बाप की दुकान है। दुकान जब कबाड़ा हो जाती है बच्चे नहीं संभाल पाते हैं, बड़ा बच्चा भी नहीं संभाल पाता है उस कबाड़े को, तो बाप आस लेकर आता है। क्यों आस लेकर आता है? वो तो सुप्रीम सोल है, उसको किसी की आस की क्या दरकार?
सुप्रीम सोल तो है लेकिन वो सदा सर्वदा निराकार है। उसको शरीर रूपी आकार या साकार रथ नहीं है। तो रथ की आस लेकर आता है। कैसा रथ? कोई विशेषता बताई। नहीं, मुकर्रर तो है, जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। और ब्रह्मा अनेकों के नाम है, एक का नाम तो नहीं है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, फिर लास्ट में गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो ब्रह्मा नामधारियों में भी कोई परम है, परे ते परे। जो ब्रह्मा सो विष्णु तो बनते हैं नंबर वार, लेकिन उन ब्रह्मा नामधारियों में भी या विष्णु की भुजा नामधारियों में भी परे है, क्योंकि भुजाएं तो फिर भी जड़ होती है, अपने आप तो चल नहीं सकती, तो भुजाओं को चलाने वाला कोई चाहिए। तो उन भुजाओं की शक्ति से भी परे है जो उन भुजाओं को भी चलाने वाला है। तो स्थान भी ऊंच होगा। तो बताया परम ब्रह्म की आस लेकर आता हूं कि यही परम ब्रह्म सदगुरु का रूप धारण करता है। सदगुरु या गुरु साकार होता है या निराकार होता है? तो दुनिया में गुरु तो ढेर के ढेर होते हैं, परंतु उन साकार रूपधारी गुरुओं में जो सत गुरु है, कैसा गुरु? सतगुरु, सिख लोग भी कहते हैं। एक सदगुरु निराकार, माने एक ही निराकार सदगुरु है, तो बाकी गुरु झूठे हैं, नंबर वार झूठे हैं। और एक सत्य है, नंबर वार सत्य है या 100% सत्य है? सत्य है, माना जो सत्यधाम वासी बाप है, जिसे कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो भी पाठधारी आत्माएं हैं 84 के चक्र में, उनके बीच वो सबसे जास्ती सत्य है, शिवम कल्याणकारी है। 1, 2, 4, 8, 100, 200, 300 करोड़ का कल्याणकारी, जैसे क्राइस्ट कितनों का कल्याणकारी, क्योंकि बाप है अपने धर्म के फॉलोअर्स का, तो बाप तो कल्याणकारी ही होता है। लेकिन हद का कल्याणकारी या बेहद का कल्याणकारी? हद का कल्याणकारी। बेहद का कल्याणकारी तो एक ही है, जो 500-700 करोड़ मनुष्य शक्ति में पार्ट बजाने वाली, 84 के चक्र में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में एक एक मनुष्य आत्मा, माना प्रत्येक मनुष्य आत्मा का कल्याणकारी है, किसी का कल्याण नहीं चाहता। कल्याण प्रैक्टिकल में करे,
तो कल्याणकारी, या सिर्फ थ्योरी में करे तो कल्याणकारी है, प्रैक्टिकल है। शिव बाप भी कहते हैं, बच्चे मैं तो हूं शक्तिवान, सर्वशक्तिवान, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हूं। माना मैं प्रैक्टिकल में मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हूं, प्रैक्टिकल होता ही है शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा, बिना शरीर के प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता। तो तुम जो हो नंबर वार बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के बीच में जिस बच्चे पर मेरी आस है आदि से लेकर अंत तक, आस खत्म ही नहीं होगी, ऐसी आस है। क्यों ऐसी आस है? इसलिए आस है कि सत्य बाप को सबसे जास्ती क्या पसंद है? है सत्य पसंद है। सत्य को ही गॉड कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। शिव बाप क्या है? सत्य है। वो इस सृष्टि पर आकर के जो भी सुनाता है वो सब कुछ सत्य है। सत्य माने सार, सत्य माने सार है, निचोड़ है, निचोड़ है, सत्य है। सत्य को ही सत्व कहा जाता है, और मनुष्य के शरीर में भी सत्व है। हड्डी मांस मज्जा जितने भी तत्व हैं, उन सब के बीच में मनुष्य शरीर में क्या सत्व है? कुछ है या नहीं है? क्या है? सत्व, सत्व माने वीर्य। क्या सत्व है? वीर्य। अगर वीर्य है तो सत्व है, और वीर्य नष्ट हो जाए तो क्या होगा? असत्य रह जाएगा। तो जो भी पार्टधारी बच्चे हैं, उन पार्टधारी बच्चों में वो सत्व धारण करने वाला बच्चा मेरा एक ही बच्चा है। क्या? जिसे अमोघ वीर्य कहा जाता है, सदा सर्वदा 84 जन्मों में नहीं, जब मैं आता हूं, मैं जो पढ़ाई पढ़ाता हूं उस पढ़ाई का निचोड़ क्या है? पढ़ाई किस बात के लिए पढ़ाता हूं? मैं पढ़ाई पढ़ाता ही हूं असत्य को सत्य बनाने के लिए, और मुझको कहा जाता है माने सुप्रीम सोल शिव को कहा जाता है परम पवित्र। माना परम पवित्र क्या? उससे जास्ती पवित्र और कोई
होता ही नहीं। और वो है क्या? ज्ञान का अखूट भंडार है, सच्चे ज्ञान का या झूठे ज्ञान का? सच्चे ज्ञान का अखूट भंडार है, कभी खूटता ही नहीं। सारा भंडार उसमें से कोई निकाल ले, फिर भी सारा ही बचता है, कम होता ही नहीं। एवर प्योर है, सत्य तो है, पवित्र तो है, लेकिन कैसा पवित्र है? एवर प्योर। अब एवर प्योर की निशानी क्या है? कैसे पता चले एवर प्योर है? कोई कह देने से मान लेगा कि प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए? है इस सृष्टि में ज्ञान से पवित्र कोई चीज नहीं है। और वो पवित्र ज्ञान जब सार रूप में आ जाता है, विस्तार तो है समंदर सागर, लेकिन जब सार रूप में आ जाता है तो उसे ध्यान या योग कहा जाता है। योगनिष्ठ कैसा? इसलिए कहते हैं ज्ञानात् ध्यानम विशेषते। ज्ञान से भी ध्यान विशेष है, क्योंकि ध्यान में एकाग्रता चाहिए कि चंचलता चाहिए? ध्यान में एकाग्र अगर हो जाए, एकाग्र, दो अग्र चार अग्र नहीं, ध्यान चार में भागता रहे, 200 में भागता रहे, जैसे भारत के कलयुगी राजाओं का ध्यान 2 many queens में भागता रहा, तो उसे योग नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? भोग या योग? भोगी है। एकाग्र हो जाए, हिले ही नहीं। किसने एकाग्र हो जाए? कौन एक? एक ही सत्य है, दूसरा कोई सत्य है ही नहीं। तो एक क्या बिंदु सत्य है? निराकार ज्योति बिंदु, उसको कहें सत्य है? अरे अरे, वो सत्य धाम का वासी है। सत्य धाम का वासी है तो क्या असत्य दुनिया में नहीं आता है? आता है ना, लेकिन आते हुए भी इसे झूठी दुनिया में, झूठों के संग के रंग में आते हुए भी, झूठ से झूठ दुनिया में आते हुए भी सत्य ही रहता है या असत्य हो जाता है? अब प्रैक्टिकल की बात है या सिर्फ ज्योतिबिंदु रूप की बात है? माना जरूर प्रैक्टिकल में किसी तन में आता है, जिस तन में आता है उस तनधारी को भी आप समान सत्य एवर प्योर बनाता है। एवर प्योर बनाता है। एवर प्योर क्या है? एवर इम्प्योर क्या है? दो प्रकार की आत्माएं होती हैं। एक परम पवित्र, उसको कहते हैं अक्षर, कभी क्षरित ना होने वाली,
और दूसरी आत्मा ऐसी होती है जो क्षरित होती है, क्षीण होती है, पतित होती है, नीचे गिरती है। तो अक्षर एक है और क्षर अनेक है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब क्या हैं? क्षर हैं, क्षरित होने वाली है, पतित होने वाली है, और एक एक अक्षर है। इस संसार में भी आता है, पतित से पतित दुनिया में आता है कलयुग के अंत में, तो भी प्रैक्टिकल में ये पार्ट बजा करके दिखाता है कि वो अक्षर ही रहता है शरीर के साथ। यादगार क्या है? उसकी यादगार सार्वभौम है, सारी भूमि पर खुदाइयों में उसकी यादगार मिली है, शिवलिंग। उसकी यादगार शिव के मंदिरों में और देवताओं के मुकाबले सबसे जास्ती है। भारत में तो गांव गांव में, शहर शहर में शिव के मंदिर बने हुए हैं, यादगार में दिखाया गया है कि वो सदैव ही जलाधारी में वास करता है। जल का आधार लेने वाली में वास करता है, ज्ञान जल को धारण करने वाली में वास करता है, और फिर भी 24 घंटे वास करता है, फिर भी चरित पतित नहीं होता। ये सिर्फ बिंदु की बात नहीं है, जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक सभी धर्म पिता हैं, निराकार को याद करते हैं, निराकार को भगवान मानते हैं, वो तो इम्प्रैक्टिकल बात है। प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर आकर के कोई मुकर्रर रथ के द्वारा वो परम पवित्रता का पार्ट बजा के जाता है, तब यादगार बनती है। यादगार कब बनती है? जब कोई ने प्रैक्टिकल पार्ट बजाया हो तो यादगार बनती है। तो बताया कि ये जो मनमना भव कहा है गीता में, और नाम दे दिया है कृष्ण का, किसका नाम दे दिया? कृष्ण का। कृष्ण माने आकर्षण करने वाला, कृष्ण माने आकर्षण करने वाला। अब बताओ, आकर्षण करने वाला जो खींचने वाला है और जो खींचने वाले हैं, उनमें ज्यादा पावरफुल कौन कहा जाएगा? कृष्ण आकर्षण करने वाला ज्यादा पावरफुल हुआ ना। अब कृष्ण 16 कला संपूर्ण, क्या कृष्ण 16 कला संपूर्ण, कलाओं में बंधा हुआ कि नहीं? कलाओं में बंधा हुआ। और भगवान के लिए गायन है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, वो तो कलाओं से परे है, ज्ञान सूर्य है। सूर्य की कलाएं होती हैं क्या? होती हैं। अरे वो तो 16 कला संपूर्ण बनाने वाला है, क्या नरको नारायण बनाने वाला है। तो बनाने वाला जो रचयिता है वो ज्यादा पावरफुल हुआ, या 16 कला संपूर्ण बनने वाला ज्यादा पावरफुल हुआ? बनाने वाला है,
बनाने वाला ज्यादा पावरफुल। तो कृष्ण को ये टाइटल कैसे दे दिया? क्या कि भगवान है? क्या है? भगवान है। धनवान है ऐसे नहीं कहा। क्या धनवाला है ऐसे नहीं कहा। भगवान है माने भग वाला है, कंट्रोलर है। जैसे धनवान है तो किसके ऊपर कंट्रोल है? धन के ऊपर कंट्रोल है। अच्छा स्थूल धन की बात छोड़ दो, ज्ञान धन की बात उठा लो। तो ज्ञान धन के आधार पर भी कृष्ण को नाम क्या दिया है भागवत में और महाभारत में? वासुदेव। वासुदेव क्या नाम दिया है? वासुदेव। जैसे कि ब्रह्मा का पुत्र होता है तो ब्राह्मण एक मात्रा बढ़ गई ना बच्चे के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में। तो ऐसे ही भगवान का नाम भागवत में क्या दिया? वासुदेव। तो बाप का नाम क्या होगा? वसुदेव। बाप का नाम क्या दिया? वसुदेव। नाम भी दिया है वसुदेव और वासुदेव, तो बाप कौन हुआ? बाप वसुदेव हुआ या वासुदेव हुआ? वसुदेव बाप हुआ। तो बड़ा कौन हुआ? वसुदेव बड़ा हुआ ना। वसु माने धन संपत्ति, वो क्या है? अखूट धन संपत्ति। वसुदेव क्या है? जो वसु ज्ञान धन देने वाला है, लेने वाला नहीं है, वो क्या है? ज्ञान धन का देने वाला दाता है। और वो ज्ञान धन का देने वाला दाता एक निराकार है और एक साकार भी है। निराकार है आत्मिक रूप में, आत्माओं का बाप, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं, बिंदु है। बिंदु 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 10 रख दो, कोई वैल्यू होगी? कोई वैल्यू नहीं। अंक चाहिए। क्या अंक के ऊपर बिंदु रखेंगे तो वैल्यू हो जाती? तो वो अंक है, अव्वल नंबर अंक है। क्या अव्वल नंबर अंक है? उसको कहा जाता है अलफ, खड़ा डड्डा। उस सदैव खड़ा रहने वाला है पुरुषार्थ में। क्या माया कितना भी पुरुषार्थ की परीक्षा ले, लेकिन वो पढ़ने वाला गिरने वाला नहीं है। 500-700 करोड़ जो क्षर आत्माएं हैं, पतित होने वाली आत्माएं हैं, भले उनमें से बहुत मनुष्य से देवता बन सकती हैं, लेकिन फिर भी क्षर है, नीचे गिरती है। क्या नीचे जरूर गिरेंगी? भले श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ इंद्रिय आंख से सुख भोगने वाली हो, तो भी सुख भोगते भोगते नीचे गिरेंगे। लेकिन वो ऐसा है अक्षर कि जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, जिस पर उसकी आस है षष्ठी चलाने की, षष्ठी रूपी दुकान है ना उसकी, किसकी? भगवान की। तो षष्ठी रूपी दुकान चलाने के लिए जिस
बड़े बच्चे पर उसकी आस है। आत्मा रूपी बच्चे है ना, उन बच्चों में कोई बड़ा होगा ना, तो उस बच्चे पर आस है और वो आस पांच हजार वर्ष के षष्ठी चक्र में वो आत्मा आस पूरी करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहती है या नहीं रहती है? सतयुग त्रेता में तो असत्य की बात ही नहीं, संघर्ष की बात ही नहीं। हाँ, जब मायावी युग आता है, द्वापर द्वैतवादी युग, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो मतें, तो झगड़ा होता है। तो उसमें सत्य कौन है और असत्य कौन है, तो झगड़ा होगा कि नहीं सत्य असत्य का? तो जो झगड़े होते हैं द्वापर से लेकर के और कलयुग के अंत तक, उन झगड़ों में कहो, लड़ाइयों में कहो, युद्धों में कहो, वो ऐसा शरीर रूपी क्षेत्र है जिसको गीता में कहा गया है, भगवान ने अर्जुन की तरफ इशारा कहा किया, क्या बोला, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ज्ञान धन का अर्जन करने वाले अर्जुन, ये जो क्षेत्र है तुम्हारा शरीर रूपी, ये युद्ध क्षेत्र है। क्या है? युद्ध क्षेत्र है। क्षेत्र माने युद्ध भूमि। क्या है? युद्ध भूमि है। धर्म क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है। सात धर्मों की लड़ाई इसके अंदर होती है। क्यों? क्योंकि सारी मनुष्य सृष्टि में सभी धर्मों का, जो भी धर्म पिताएं हैं, उन सब का बाप ये है। कौन? प्रजापिता। प्रजापिता 500 करोड़ मनुष्य सृष्टि जिसमें सभी धर्म वाले हैं मौजूद, उन सब धर्म पिताओं का भी बाप, बापों का भी बाप वो है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। तो उस बीज में धर्म अधर्म दोनों का युद्ध 84 जन्मों में भरा हुआ है। कभी व्यक्त रूप में है और कभी अव्यक्त रूप में। धर्म की धारणा भी उसमें 84 जन्मों की भरी हुई है, कभी व्यक्त रूप में और कभी अव्यक्त रूप में। तो ये जो मुकर्रर रथ है, शरीर रूपी रथ है, ये क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र। जब मैं आता हूं तो 5000 वर्ष का जो सच्ची चक्र है उसकी शूटिंग कराता हूं, रिहर्सल कराता हूं, रिकॉर्डिंग कराता हूं। पहली रिकॉर्डिंग किसके अंदर होती है? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है उसके अंदर वो पहली रिकॉर्डिंग होती है। धर्म की भी और अधर्म की भी। उसके अंदर बड़े से बड़ा विलियन भी बैठा हुआ है और बड़े से बड़ा देवता भी बैठा हुआ है, जिसको कहें हीरो पार्ट धारी। हीरो का विलियन भी होता है ना, दोनों।
इदम शरीरम कौन्तेय हे कौन्तेय, इस शरीर रूपी रथ में मुकर रथ में दोनों पार्ट बजाते हैं। अरे कौन दोनों? अच्छे थे अच्छा और बुरे थे बुरा, धर्मी से धर्मी और अधर्मी से अधर्मी, वो राम भी है और वो रावण भी है। इसलिए भगवान बाप मुरली में कहते हैं, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? स्वर्ग नरक दोनों की दुनिया के ऊपर मेरा आधिपत्य है। इस नरक की दुनिया में, रावण राज्य की दुनिया में कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो मुझे क्रॉस कर सके अधर्म। क्या मुझे कोई क्रॉस? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। उनके फॉलोअर्स भी चाहे कितने भी बड़े महत्वाकांक्षी होकर आए इस दुनिया में, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी बनकर के आए, सारी दुनिया के ऊपर विजय पाने की आकांक्षा वाले आए, तो भी मेरे से टक्कर लेकर के वो जीतने वाले नहीं है। वो आतताई मेरे से जब टक्कर लेते हैं भारत में आकर के, तो नाक रगड़ करके वापस चले जाते हैं। जीतते हैं या हारते हैं? हारते हैं और भागते हैं। सत्य भागता है या झूठ भागता है? झूठ चलायमान है, भागने वाला है। इसलिए कहते हैं झूठ को पांव नहीं होते। क्या? झूठ को पांव नहीं होते। जब भागता है तो पता लगता है उसको पांव है ही नहीं, ओ गया। और सत्य अटल रहता है। इसीलिए गीता में कहा है, ना सत्य विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्य। जो सत्य है उसका इस संसार में कभी अभाव नहीं होता। तो एक ही सत्य है 500-700 करोड़ में से। कौन? सत्यनारायण जिसकी कथा भारत में घर घर में होती है, सत्य हरिश्चंद्र, जिसको नाटकों में बार बार दिखाते हैं, वो सत्य अटल है, उसको कोई टाल नहीं सकता। संगम युग में भी माया कितनी भी बार परीक्षा ले, संगम युग माने जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आकर शूटिंग कराते हैं डायरेक्टर के रूप में पर्दे के पीछे रहकर, आंखों से नहीं दिखाई पड़ता। कौन? डायरेक्टर। डायरेक्टर कहां रहता है? पर्दे के पीछे। तो वो डायरेक्टर जब आकर के 5000 वर्ष के सृष्टि के ड्रामा की शूटिंग कराता है, रिहर्सल कराता है, तब वो सत्य उजागर होता है। कैसे? माया जब परीक्षा लेती है तो शास्त्रों में दिखाया है, ब्रह्मा ने एक बार सृष्टि रची, दो बार सृष्टि रची, तीन बार सृष्टि रची, तीनों बार फेल हो गई, बिगाड़ दी सारी सृष्टि, बिगाड़ दी। फिर कहते हैं चौथी बार सृष्टि रची और सफल हो गया। तो है कहां की बात? संगम युग की बात है। जब भगवान बाप आते हैं तो संगम युग के आदि में सन 36 से लेकर 47 तक
सन 36 में जो ब्राह्मणों की सृष्टि रची, 47 तक रची, वो सारी सृष्टि बिगाड़ दी कि बाप को सपोर्ट करने वाला कोई बच्चा बचा नहीं। यज्ञ के आदि में प्रजा पिता को सपोर्ट करने वाला कोई बच्चा बचा है या प्रजापिता का जो तन है जिसको मुरली में बोला लाश भी गौम कर दी, लाश का भी पता नहीं चला, ये झूठी दुनिया ने ऐसे किया, उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं बचा। भागवत में भी लिखा है लेकिन उन्होंने नाम दे दिया कृष्ण का, लिखा है 16,000 गोपियों के बीच में खेल करने वाला वो कृष्ण जिसको भगवान नाम दे दिया है, अंत समय में अकेला रह गया, कोई नहीं था उसके आसपास। तो ये कहां की बात है, ये संगम युग की बात है, शूटिंग की बात है। 5,000 वर्ष के ड्रामा की शूटिंग जब होती है, निराकार डायरेक्टर इस संगम रंगमंच पर आता है तो ये शूटिंग कराता है, रिहर्सल कराता है, क्या कि एक बचता है निश्चय बुद्धि और बाकी सब अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। फिर 76 में भी ऐसे ही होता है, क्या हुआ, क्या हुआ, घोषणा कर दी 66 में मुरली में, क्या इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब होगा, 76 में 10 साल लक्ष्मी नारायण का जन्म उन्होंने प्रत्यक्षता होगी और बाकी सब अप्रत्यक्ष हो जाएंगे। अप्रत्यक्ष हो जाएंगे माने ज्ञान से टूट जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे, क्या जिंदा ही नहीं रहेंगे, अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे। कैसे, ब्राह्मण की जो सृष्टि 47 से दूसरी बार रची गई ब्रह्मा द्वारा, वो सृष्टि 76 में विघटन को प्राप्त होने लगी, विनाश को प्राप्त होने लगी, सत्य रंगमंच पर प्रैक्टिकल में उजागर हो गया और बाकी सब बाप को पहचानने वाले कोई रहे। 76 में जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया तो ब्राह्मणों की सृष्टि में कोई बाप को पहचानने वाला था, हाँ कौन था, कोई नहीं था, एक ही बाप ही था जो प्रत्यक्ष हुआ बाप के रूप में, जिसको भगवान बाप ने बोला, राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो वो राम बाप जो है वो 76 में प्रत्यक्षता वर्ष के रूप में ब्राह्मणों के रंगमंच पर उदय हुआ, राम बाप उदय हुआ, भगवान बाप नहीं, क्या जैसे बच्चा जब गर्भ में आता है तो कहते हैं बच्चा आया, बच्चा पैदा हुआ, कहते हैं नहीं,
जब बच्चा बाहर आता है, प्रत्यक्ष होता है, जन्म लेता है, तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने पर कहा जाता है कि बच्चा आया। बाप भी कहेगा बच्चा आया, पड़ोसी भी कहेंगे आया। आवाज सुनेंगे ना कान से, अरे पहचान क्या है? बाप पहचान देते हैं, कहते हैं जो इन आंखों से देखे वो क्या कहे, आ गया। जो इन कानों से शब्द सुने तो क्या कहे, मेरा बाप आ गया। तो ऐसे ही जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो प्रत्यक्ष होता है, आत्माओं का बाप फिर भी गुप्त रहता है। वो प्रत्यक्ष नहीं होता। कैसे कहा जाए कि सन 76 में घोर अंधियारी रात्रि हुई थी, जिसकी यादगार महाशिवरात्रि मनाते हैं, है? नहीं हुई। घोर अंधियारी रात्रि की प्रत्यक्षता तब होती है जब तीसरी बार की शूटिंग संपन्न होती है, जिसके लिए बोला कि मनुष्य सृष्टि का जो बाप राम बाप है उसके बच्चे मनुष्य सृष्टि में जो भी हैं वो सब अज्ञान अंधकार में आ जाते हैं। तीन प्रकार की दुनिया है, एक है 500-700 करोड़ की दुनिया, दूसरी है आधार मूर्त ब्राह्मणों की दुनिया, जिनका आधार लेकर के द्वापर युग से आने वाले धर्म पिताएं या उनके फॉलोअर्स इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं, आधार मूर्त। और तीसरे हैं बीज रूप, बीज। अब बताओ सृष्टि रूपी वृक्ष में बीज ज्यादा पावरफुल होगा, जड़ें ज्यादा आधार मूर्त जड़ें ज्यादा पावरफुल होंगी, या तना और टहनियां ज्यादा पावरफुल होंगी, या पत्ते? बीज ज्यादा पावरफुल। तो जो तीसरी सृष्टि है वो बीज रूप आत्माओं की बचती है। नंबर बार वो मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचानते हैं, जो मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचानते हैं वो ही रुद्र ज्ञान यज्ञ में जो भगवान रुद्र कहा जाता है उसके बच्चे कहे जाते हैं। रुद्राक्ष की माला प्रसिद्ध है बीज रूप आत्माओं की, वो बीज रूप आत्माएं उन्हीं के लिए बच्चे कहा है आत्माओं के बाप ने। आत्माओं के बाप को शरीर है? है? शरीर नहीं है, वो सिर्फ आत्मा है, माला का मणका है, लेकिन वो सिंगल मणका है। लेकिन सन 76 में कैसा मणका बन गया? युगल मणका बन गया। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 10 साल की बात बताई, 76 में जन्म हुआ। एक आत्मा या दो आत्मा युगल? दोनों का, दोनों की प्रत्यक्षता हुई। तो वो विजयमाला का जो मणका है पहला पहला ऊपर वाला, वो युगल मणका के रूप में राम बाप वाली आत्मा युगल के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है, जिसके लिए पहले से ही बता दिया मुरली में क्या टू लेट का बोर्ड लगेगा, क्या
पुरुषार्थ करने वाले जो ब्राह्मण हैं उनका एग्जाम पूरा होगा। क्या है एग्जाम? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का एग्जाम है। तो अव्वल नंबर जो आता है वो प्रत्यक्ष होता है पहले, वो प्रत्यक्ष होता है और बाकी सब उसके बच्चे हैं, राम बाप के बाकी क्या है? बच्चे। उन बच्चों के लिए बोला है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगता है। माने जो भी बीज रूप आत्मा है इस सृष्टि में, बीज रूप माने आत्मिक रूप धारण करने वाली पुरुषार्थ करके कैसी बन जाती हैं? नंबर वार ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में स्थिर हो जाती है। अपन को क्या समझने लग पड़ती है? मैं ज्योति बिंदु आत्मा, शरीर को भूल जाती है। ऐसी आत्मा रूपी बच्चे वो बीज हैं इस सृष्टि के, वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो बीज हैं वो अविनाशी बीज हैं। उनका सृष्टि रूपी चक्र में 84 के चक्र में किसी भी जन्म में विनाश, हर जन्म में 84 के चक्र में मौजूद रहते जरूर। और जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो 84 के चक्र में मौजूद इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर नहीं रहते। तो विनाशी पार्ट है उनका या अविनाशी पार्ट है? विनाशी पार्ट हुआ। किसी का एक जन्म का विनाश, किसी का 2, 4, 8, 10, 20, 50, माने नंबर वार है। तो जो अविनाशी बीज हैं वो अविनाशी बीज के लिए बताया, किसने बताया? उन बीजों का जो मूल बाप है कौन? बीजों का बाप बीज कौन? शिव। और वो शिव साकार मनुष्य सृष्टि के बाप के द्वारा ये बात क्लियर करता है। क्या? कि तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने। तो 76 से लेकर के बाप और बाप के बच्चे प्रत्यक्ष होना शुरू हुए तो कितना टाइम हुआ? कब हुआ? 2017। क्या? 2017। कितने रह है? सत्त रह। वो सत्त हैं, वो जो सत्त हैं नंबर वार इस सृष्टि पर वो ही रहेंगे, वो भी नंबर वार हैं। उनमें से अव्वल नंबर एक है परम सत्य। जो परम सत्य है उसका विनाश होगा। तो माया की जो तीसरे नंबर का एग्जाम होता है, पहला एग्जाम सन 47 में, दूसरा एग्जाम 76 में, सब अनिश्चय बुद्धि हो गए। न बेसिक में न एडवांस में कोई ने बाप को उस समय नहीं पहचाना, कोई भी सहयोगी नहीं रहा, अकेला बाप रह गया। फिर बाद में नंबर वार, तो उन नंबर वार बच्चों में 40 वर्ष जो बताए हैं उनमें भी नंबर वार कितने निकलते हैं? जिनके निकलने के बाद कहा जाएगा टू लेट का बोर्ड फिर लग गया। पहला टू लेट का बोर्ड कब लगा? 76। और दूसरा टू लेट का बोर्ड कब लगता है?
है 2017-18 में 70 है जो सत्य है इस सृष्टि पर, झूठा काम करने वाले नहीं है, सत्य का ही साथ देने वाले हैं। रंगमंच पर तो हैं, झूठ की सृष्टि में भी आते हैं जन्म लेते लेते, लेकिन साथ किसका देते हैं? सत्य का ही साथ देते हैं, जो परम सत्य है उसी के साथ ही बनकर रहते हैं। लेकिन ड्रामा की मजबूरी क्या, शिव बाप भी कहते हैं आत्माओं का बाप, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। तो आठ जो अष्ट देव कहे जाते हैं, जो झूठ के रास्ते पर कभी जिंदगी में चलते ही नहीं, सत्य का ही साथ देते हैं जन्म जन्मांतर। उनको भी माया पड़ी लेती है, उनको भी माया छोड़ती नहीं है। फिर माया अगर किसी को नहीं छोड़ती, सारे ही बीज खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए, तो ये सृष्टि कहां से आई है? हाँ, अंश मात्र भी असत्य है तो माया नहीं छोड़ने वाली। क्या दूध का भरा हुआ घड़ा हो, प्योर दूध का, उसमें एक बूंद सांप की पड़ी हुई हो विष, तो क्या हो जाएगा? पूरा ज्ञान का विष हो जाएगा। तो अष्ट देवों को भी माया छोड़ती नहीं है, पकड़ लेती है। फिर छोड़ती किसको है? माया रूपी बिल्ली एक भी पुंगरे को नहीं छोड़ती, सांप को खा जाती है। फिर माया पति को ही कहा जाता है, नहीं कहा जाता मायापति? नहीं कहा जाता माया है तो पति भी है, प्रकृति है तो प्रकृति का पति भी है। जगत की जगदम्बा है तो जगदम्बा का जगत पिता जगत पति भी है, सीता है तो सीता पति है, पार्वती है तो पार्वती पति है। तो बाप बताते हैं तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब सीताएं हो, राम है एक। क्या राम एक है और बाकी सब सीताएं? रावण के पंजे में माया के मुंह में गाल में आ जाती है। तो 2017-18 में जिसे कहते हैं अठारह, कितने रहेंगे? आठ रहेंगे। बाप को पहचानने वाले नंबर बार, और बाकी सब अनिश्चय रूपी मृत्यु को प्राप्त होते, मृत्यु लोक के वासी हो गए, पक्के अमर लोक में रहने वाले कितने हुए? आठ। तो जो राजधानी स्थापन होगी वो पक्कों पक्कों की ही राजधानी बनेगी पहले, या कोई कच्चा होगा उनकी राजधानी बनेगी? पक्के सूर्यवंशी होंगे उनकी राजधानी बनेगी, या थोड़े से चंद्रवंशी भी हो तो चलेगा? ऐ क्या होंगे सब पक्के सूर्यवंशी? अरे सृष्टि का आदि का फाउंडेशन तो पक्का ही होना चाहिए ना,
तो छोटी राजधानी होगी या बड़ी होगी? छोटी सी छोटी राजधानी, बीज रूप छोटा सा छोटा, राजधानी भी छोटी सी छोटी। और राजधानी किसको कहा जाता है? क्या राजा रानी को ही राजधानी कहा जाता है? हाँ, उन आठ के अंदर महाराजा कहो, महारानी कहो, राजा कहो, रानी कहो, वो तो है ही है, लेकिन साथ में उस राजा को सहयोग देने वाले राज्याधिकारी भी हैं। राजा के राज्याधिकारी होते हैं ना सहयोगी, महामंत्री, सेनापति होते हैं ना। तो ऐसे राज्याधिकारी जो सहयोगी बनकर रहते हैं, बड़े से बड़े सहयोगी और नंबरवार छोटे से छोटे सहयोगी, वो भी है। फिर उन सहयोगियों और राजा रानियों के परिवार में उनके भांति भी होते हैं या नहीं होते हैं? परिवार के भांति होते हैं, वो भी हैं, परंतु उन परिवार के भांतियों में जितने भी संबंधी होते हैं वो भी नंबरवार होते हैं या एक जैसे होते हैं? कोई संबंधी पूरा साथ निभाते हैं, कोई नहीं निभाते। तो जो पूरा साथ निभाते हैं वो तो 16,000 की लिस्ट में राजधानी के त्रेता के अंत तक प्रत्यक्ष होने वाले भांति हैं, ईश्वरीय परिवार के, राज परिवार के। बाकी जो साथ नहीं निभाते, कैसा साथ? आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार होकर नहीं रहते, वो दास दासी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? परिवार में रहकर परिवार का खून बन करके और परिवार का साथ ही न बने तो नीचा पार्ट है या ऊंचा पार्ट है? नीच पार्ट धारी हुई वो दास दासी बनते हैं, नंबरवार दास दासी हैं। क्या, कैसे दास दासी हैं? नंबरवार दास दासी। कोई ऐसे दास दासी भी हैं जो आदि में भांति तो बनते हैं, ईश्वरीय परिवार के पुराने ते पुराने सदस्य तो बनते हैं, जैसे राम के तीन भाई, ब्रह्मा के चार मानसी पुत्र, मनसा से पैदा हुआ, मनसा के संकल्पों से सृष्टि रची, लेकिन नंबरवार हैं ये एक ही जैसे हैं? नंबरवार जो बड़ा है उसका नाम दिया है सनत कुमार। क्या नाम दिया? सनत कुमार, जिसके नाम पर सनातन धर्म नाम पड़ता है उसको टाइटल देते हैं। क्या टाइटल देते हैं? योगेश्वर, योगियों का ईश्वर, उसको टाइटल देते हैं योगियों का ईश्वर और महाज्ञानी। क्या, ज्ञानियों में भी ज्ञानेश्वर, ज्ञानियों का भी ईश्वर है और योगियों का भी ईश्वर है। बाकी जो तीन हैं वो नंबरवार धर्मों की लिस्ट के बीज हैं, कोई इस्लाम धर्म के बीज, कोई बौद्ध धर्म का बीज, कोई क्रिश्चियन धर्म का बीज। ये चार मुख्य धर्म हैं इस मनुष्य सृष्टि वृक्ष की, चार टाल टालियां हैं। जो सनातन धर्म की टाली है वो तो वृक्ष की टाली ऐसी है, नीचे से लेकर ऊपर तक सत्य ही सत्य, ऊंची ही ऊंची जाती है,
क्या झुकती नहीं, दाई ओर के भारतीय धर्मों में भी कन्वर्ट नहीं होती और बाई ओर के विदेशी धर्मों में भी कन्वर्ट नहीं होती, वो ऐसे बच्चे हैं। दूसरे प्रकार के ऐसे बच्चे हैं जो भारतीय धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, बौद्ध धर्म में, सन्यास धर्म में, सिख धर्म में, विधर्मी बन जाते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, इस लिस्ट में नहीं रहते। और दूसरे वो हैं जो बाई ओर के धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, बामांग में चले जाते हैं। कैसे अंग में? बामांग, बाएं हाथ, लेफ्ट साइड। क्या अंतर है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में? राइट साइड जो है उससे दान धर्म किया जाता है, अच्छे कर्म किया जाते हैं राइट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से गंदगी साफ की जाती है, गंदगी हाथ डाला जाता है, गंदे संकल्प चलेंगे, गंदी वाचा चलेगी, गंदे कर्म होंगे कर्म इंद्रियों से दुखदाई। तो बाई ओर की डालियों में इस्लाम धर्म, विविचारी धर्म की शुरुआत करने वाला क्रिश्चियन धर्म, काम विकार के बाद सबसे बड़ा विकार कौन सा है? क्रोध। क्रिश्चियन धर्म की डाली। फिर नंबर 12 और उनके सहयोगी, चार मुख्य धर्म और चारों के चार सहयोगी। इस तरह ये सारा षष्टि रूपी वृक्ष तैयार होता है। तो जो मुख्य धर्म है उन चारों के मुख्य बीज इस षष्टि पर पहले पहले आते तो हैं, भगवान बाप के प्रैक्टिकल में बच्चे बनते हैं और बच्चा बनकर प्रत्यक्ष भी होते हैं। कब? 76 से। लेकिन जो सनातन धर्म का बीज है, पुराने ते पुराना धर्म, देवी देवता धर्म का बीज, उसके आदि में सहयोगी तो बनते हैं लेकिन बाद में आदि से लेकर के अंत तक विरोध करते हैं। तो परिवार के भांति तो हैं या नहीं है? ईश्वरीय परिवार के भांति नहीं है? जन्म लिया या नहीं लिया तो भांति नहीं है? भांति तो हैं लेकिन कर्म उल्टे कर देते हैं, मनसा से संकल्प विरोधी चलाते हैं और वाचा भी विरोधी चलाते हैं, कर्मों में भी विरोधी, वाचा में भी विरोधी, संकल्पों में भी विरोधी। तो वो विरोधी धर्म के बीज बनते हैं या सनातन धर्म के बीज बनेंगे? है वो ही बीज ऐसे हैं जो 16,000 की लिस्ट में तो आते हैं, क्या ईश्वरीय परिवार के राजयोग सीखने वाले राजा रानी तो बनते हैं, क्या ऐसे नहीं कि नहीं बनते हैं? लेकिन वो राजा रानी लास्ट में जाकर बनते हैं, त्रेता के अंत में। जो त्रेता की तीन कटी हुई सीढ़ियां हैं, देखी ध्यान से, उसे स्वर्गीय धर्म को खंडित करने वाले, नष्ट करने वाले बनते हैं, और नष्ट करने वालों में मुखिया बनते हैं बीज। कैसे? मुख्य बीज। सूर्यवंशी तो पक्के हैं, है कि नहीं? सूर्यवंशी हैं लेकिन नेगेटिविटी में चले गए या पॉजिटिव हैं? नेगेटिविटी में चले गए, इसलिए उनको प्राप्ति जो है वो अंतिम जन्मों में जाके होती है।
क्या? त्रेता के अंतिम जन्म में, उससे पहले के सभी जन्मों में दास दासी बनकर रहते हैं। क्या कहा? पहला जन्म जो है राम की राजगद्दी जो दिखाते हैं, उस राजगद्दी में राम के तीन भाई किस रूप में दिखाए गए हैं? कोई छाता लिए छाया कर रहा है, छत्र छाया, कोई पंखा झला रहा है, कोई पांव पखार रहा है, पांव धो रहा है। तो ऐसे दास दासी बनकर दिखाए गए पहले जन्म में ही नहीं, ये तो संगम युग की यादगार है कि संगम युग में ऐसी प्राप्ति करते हैं, परिवार के भांति बनते हैं, परिवार के भांति बन करके परिवार का जो मुखिया है उसके नजदीक तो हैं, लेकिन किस रूप में नजदीक हैं? दास के रूप में, दास दासी के रूप में नजदीक हैं। माना आज्ञाकारी बनकर नहीं रहे, वफादार बनकर नहीं रहे, ईमानदार बनकर के नहीं रहे, बेईमान बन गए, फरमान को नहीं माना, नाफरमानी कर दी। तो 16,000 का नंबर भी ऐसे ही है, 16,000 में राजा हैं, अव्वल नंबर के 8 ही हैं और बाकी सेकंड क्लास, बाकी 100, बाकी थर्ड क्लास तो आज की दुनिया में भी खत्म कर दिया राजा बनने की लिस्ट में। तो ये 108 तो राजा रानी हैं और बाकी सब हैं, हाँ, दास दासी भी प्रजा वर्ग में कहीं, चांडाल का पद भी बनता है, फोर्थ क्लास प्रजा, ऐसे भी हैं 16,000 में। क्या बनते हैं? चांडाल बनते हैं, आग लगाने वाले हैं। फिर भी अच्छा, तो फिर भी हाँ, अच्छा सेवादारी, अच्छा सेवादारी माने नष्ट देव, काम नष्ट करने का करते हैं या बनाने, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं या बिल्डिंग तोड़ने का काम करते हैं? है ज्यादा पगार किसको मिलता है? निर्माण करने वाला जो अधिकारी है, जिसके इशारे पर सारे मिस्त्री काम करते हैं, उस निर्माण करने वालों को ज्यादा, स्थापना करने वालों को ज्यादा पगार मिलता है या तोड़ने वाले को मकान ज्यादा पगार मिलता है? हैं? इंजीनियर के नीचे मिस्त्री, मिस्त्री के नीचे वर्कर्स, मिट्टी ढोते हैं, ईंटें ढोते हैं ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। माने जरूर संगम युग में मोहब्बत में नहीं रहते बाप की, मोहब्बत में रहते हैं या मेहनत में रहते हैं? मेहनत में रहते हैं, लेकिन कितनी भी मेहनत करें, बहुत मेहनत करते हैं निराकार को याद करने की, कि निराकार ही भगवान है, हम कोई साकार को भगवान नहीं मानने वाले। निराकार को याद करने में मेहनत या साकार को पहचान कर याद करने में मेहनत? है निराकार को याद करने में ज्यादा मेहनत है। तो बड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत करते 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 आखिरी थक जाते हैं, तब जाकर के सर झुकाते हैं। अब जो परिवार का मुखिया होगा, वो जो सुबह का भूला एकदम शाम हो गई तब घर आ गया,
तो उसके ऊपर रहम आएगा या नहीं आएगा? आएगा। है? आएगा। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला कि दिल्ली वालों को आदि से लेकर के अंत तक बाप का सहयोग जरूर मिलता है। लेना चाहे तो ले, न लेना चाहे तो न ले। तो अंत में भी निकलते हैं, सर झुकाते हैं, तो भी उनको राजाई का पद मिल जाता है, राजयोगी की लिस्ट में आ जाते हैं। 16,000 के परिवार में जो राज परिवार है उसमें आ जाते हैं। तो बताओ 16,000 में आने में ज्यादा फायदा है या साहूकार बनने में ज्यादा फायदा है? साहूकार बनने में। क्यों? साहूकार तो बहुत दास होते हैं जैसे राजपूत। जो साहूकार हैं वो प्रजा की लिस्ट में हैं या राजा या राज्य अधिकारियों की लिस्ट में? प्रजा की लिस्ट में। जो राज परिवार का नीचे ते नीचा भांति है, राज परिवार वालों को आग लगाने का काम करता है चांडाल, वही राज परिवार का चांडाल है। प्रजा वर्ग वालों को उसका डर रहेगा या नहीं रहेगा? है, डर रहेगा, क्योंकि वो भले चांडाल है, फोर्थ क्लास का पद पाने वाला है, तो भी उसका मर्तबा मर्तबा रहता है। लेकिन जो साहूकार है प्रजा वर्ग में उतना सुख भोगता है, हैं? ऐसे ऐसे साहूकार भी होते हैं जिनको भव्य महल होते हैं और ढेर के ढेर दास दासियां होते हैं राजाओं की तरह, जैसे राजाओं के महल होते हैं। तो ज्यादा सुखी वो चांडाल होगा या साहूकार होगा? हैं? साहूकार ज्यादा सुख होगा। तो इसलिए बोला अगर पुरुषार्थ करते हैं सही तरीके से, क्या पुरुषार्थ? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बनने का पुरुषार्थ करते हैं तो क्या होगा रिजल्ट? सुखी रहेंगे। क्या 16,000 की लिस्ट में तो आएंगे लेकिन सुखी रहेंगे, प्रजा वर्ग में भले आएंगे, पवित्रता का पालन नहीं करेंगे, पवित्रता के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, फिर भी बड़े बड़े साहूकार बन करके माने धन से ही साहूकार बनेंगे, क्योंकि धन से सहयोग करते हैं ईश्वरीय कार्य में, तन से सहयोग नहीं करते। मन पवित्रता की पावर में, सत्य जिसे कहा जाता है, सत्य की कमाई में, सत्य की कमाई में नहीं लगाते, लेकिन फिर भी साहूकार बनने के कारण सुख ज्यादा भोगते हैं या कम भोगते हैं? तो अगर पुरुषार्थ करें आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बनने का, तब तो 16,000 की लिस्ट में आना अच्छा है। अगर न करें तो इससे तो अच्छा क्या कि राजयोग सीखते ही नहीं, राज परिवार में आके सरेंडर होते ही नहीं। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कागज में लिख दिया तो सरेंडर हो गया, क्या स्टाम्प पेपर में लिख दिया तो सरेंडर हो गया, यज्ञ के आदि में खून से लिखते थे तो सरेंडर हो गए? नहीं, सरेंडर कहा जाता है सर अंडर। ये जो मन बुद्धि है वो आपके अंदर में है, आप जैसे चलाएं वैसे ये मन बुद्धि चलेगी, उसको कहते हैं सरेंडर।
बाप की आज्ञा एक है और करते हैं दूसरा। बाप की आज्ञा है संग दोष और अन्न दोष से बचना है। गिराने वाले कौन से दोष हैं? संग दोष, अन्न दोष और वो बचने का पुरुषार्थ करते ही ब्रह्मा को फॉलो करते ही। जैसे ब्रह्मा ने अपने दो बड़े बच्चे थे मात्र, उन्होंने शादी करने की जिद की तो उनको घर से बाहर निकाल दिया। घर में रखेंगे तो अन्न दोष लगेगा कि नहीं है? बहू के हाथों का खाना पड़ेगा कि नहीं है? खाना पड़ेगा, अन्न दोष लगेगा। और एक ही घर में रहेंगे तो वातावरण विकारी बनेगा या निर्विकारी बनेगा? तो संग दोष लगेगा या नहीं लगेगा? तो दोनों दोष लग गए तो बताओ ज्ञान में चलने का फायदा है, राजयोग सीखने का फायदा है? है? संग दोष भी घर में लगा लिया, अन्न दोष भी लगा लिया और बाबा के क्लास में आकर बैठते रहे तो संकल्प कहां जाएंगे? जिसके संग रहेंगे वहां संकल्प जाएंगे क्लास में या नहीं जाएंगे? बाप का परिवार का, बाप के क्लास का, बाप के विद्यालय का वातावरण बर्बाद कर देते हैं। इससे तो अच्छा घर में बैठे हैं वो अच्छा, या चालू रखे वो अच्छा? घर में बैठे वो फिर भी अच्छा। कम से कम ब्राह्मण परिवार की आंखों में धूल तो नहीं झोंकेंगे, दुनिया की आंखों में धूल तो नहीं झोंकेंगे। घर में बैठेंगे तो धूल झोंकेंगे? नहीं समझे? दुनिया क्या समझती है कि परिवार में आकर के बैठते हैं, ब्राह्मणों के बीच बैठते हैं, कहते हैं हमें भगवान मिला है, लेकिन भगवान के आज्ञाकारी बनकर रहते हैं, वफादार बनकर रहते हैं, ईमानदार से पुरुषार्थ करते हैं, फरमान को मानते हैं? नहीं मानते। तो बताया कि 16,000 की लिस्ट में आने से तो अपने को दुनिया को दिखाने के लिए 16,000 की लिस्ट में आ गए, स्टाम्प पेपर पर साइन कर दिए, खून से लिख दिया, कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू कब है? जब मन को बुद्धि को अंदर में कर दे, वो तो किया ही नहीं तो सरेंडर नहीं है। सरेंडर ना होने वाले वो तो 16,000 की लिस्ट में आ ही नहीं सकते। बाकी ऐसे नहीं है कि बाहर की दुनिया में रह करके पुरुषार्थ करते हैं तो नॉन सरेंडर है। बहुत सी गीता पाठशालाओं वाले हैं सच्चे होकर चलते हैं, आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार होकर रहते हैं, तो वो सरेंडर नहीं है? है या नहीं है? और जो 16,000 की लिस्ट में आने का दम भरते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, ब्राह्मण परिवार को दिखा दिया, हमने कागज पर लिख दिया, स्टाम्प पेपर पर लिख दिया, सरेंडर हो गए, और अंदर से बाहर की दुनिया में बुद्धि जाती रहती है, तो सरेंडर है? तन से तो है दिखाने के लिए सरेंडर, लेकिन मन, मन बुद्धि रूपी आत्मा कहां रहती है? बाहर की दुनिया में रहती है, गंदी दुनिया में। तो संग का रंग कहां का लगेगा? बाहर की दुनिया का, गंदी दुनिया का लगेगा। तो सरेंडर वो है ही नहीं। इसलिए बोला कि 16,000 की लिस्ट में तो आने से अच्छा है क्या बाहर की दुनिया में रह करके अपना पुरुषार्थ करें।
क्या दुनिया की नजरों में धूल नहीं झोंके हैं, ब्राह्मण परिवार की नजरों में धूल नहीं झोंके, कम से कम साहूकार तो बन जाएंगे, बाहर की दुनिया में रह करके स्थूल धन कमाएंगे, ईश्वरीय सेवा में अर्पण करेंगे, तो बड़े साहूकार बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? बड़े साहूकार तो बन जाएंगे। बाकी राज परिवार में आकर के राजा बनने की क्वालिटी राजयोग सीख करके नहीं धारण कर सकते, क्योंकि उसके लिए तो संग का रंग चाहिए और अन्न पवित्र हाथों का बना हुआ चाहिए। कैसे पवित्र हाथ? ये पवित्र हाथ भी इन हाथों से भी बना हुआ, और बुद्ध रूपी हाथ भी कैसे हो, एक बाप की सेवा में लगे हुए, तन से भी बाप की सेवा में लगे हुए। क्या? और जो कमाई करते हैं गीता पाठी ब्राह्मण बन करके, गीता का ज्ञान सुना करके, उस कमाई के आधार पर भी एक बाप की कमाई करें, किसी दूसरे के लिए कमाई न करें। तन भी अर्पण, धन भी अर्पण, और मन के संकल्प भी ईश्वरीय सेवा में अर्पण। किसी देहधारी की सेवा में अर्पण न करें, विदेही की सेवा में अर्पण करें। वि माने विपरीत, देह माने देह, शरीर। शरीर के विपरीत जो बन गया है आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाला, उसकी सेवा में लगे, तो ऐसी आत्माओं को कहा जाएगा राजयोग सीखने वाले राजयोगी। वो राज सिखाने वाला एक ही है, क्या एक के सिवाय इस दुनिया में कोई भी राजयोग नहीं सिखा सकता। भोगी बना देंगे, क्या बना देंगे? भोगी बना देंगे, योगी नहीं बना सकते, क्योंकि एक के सिवाय इस मनुष्य सृष्टि में सभी पात्र पाठ बजाने वाली मनुष्य आत्माएं सब भोगी हैं, क्षर हैं या अक्षर हैं, सब क्षरित होने वाली है, सब पतित होने वाली है। इसलिए बताया कि भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो आकर के राजयोग सिखा करके राजा रानी बनाते हैं। राजा रानी सिर्फ 108 को ही नहीं कहा जाता, जो राजा रानी के सहयोगी राज्य अधिकारी बनते हैं वो राज नहीं करते हैं? अरे महामंत्री पूरी प्रजा के ऊपर राज्य ज्यादा चलाता है, कंट्रोल ज्यादा चलाता है कि राजा ज्यादा चलाता है सामने आकर? हैं? महामंत्री ज्यादा चलाता है कंट्रोल? जब राज्य का राज्य के ऊपर आक्रमण होता है, किसका? दुश्मनों का। तो उस समय सेनापति का प्रभाव ज्यादा होता है या महामंत्री का प्रभाव ज्यादा होता है या राजा का प्रभाव ज्यादा रहेगा? सेनापति अगर चाहे तो दुश्मनों से मिलकर के राजा का भी क्या कर दे, है अंत करा दे। तो देखो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि 108 राजाएं ही राजा हैं बनते हैं राजयोग सीख करके। जो राजा बनने वाले हैं उनको सहयोग जो जन्म जन्मांतर देते हैं वो भी राजयोगी की लिस्ट में, वो भी कंट्रोलर हैं, राजा ही हैं। कहे नहीं जाते हैं राजा, लेकिन प्रैक्टिकल में राजा हैं या नहीं है?
प्रैक्टिकल में राजा। तो बताया ये जो गीता ने सिखा दिया है क्या है, मन मना भव, ये कृष्ण ने कहा। अरे ये कृष्ण ने कहां से कहा, जो कृष्ण वाली आत्मा आकर्षित होने वाली है और भगवान की तरफ आकर्षित हो करके राजयोगी बन करके मनुष्य से देवता बनने वाली है, रचना है या रचयिता है, रचना है, और रचना भी अव्वल नंबर की रचना है या नंबर दो का माल है, अव्वल नंबर की रचना है, कृष्ण वाली आत्मा नंबर दो का माल है, नंबर वन माल अव्वल नंबर अच्छा माना जाता है या नंबर दो का माल। अरे भाई क्यों हमको नंबर दो का माल देते हो, दो नंबर है ना। भक्ति मार्ग में जिस 16 कला संपूर्ण कृष्ण के बारे में बोला गया है वो नंबर दो का माल है, रचना है या रचयिता है। यहाँ भी भक्ति मार्ग 5000 वर्ष को फॉलो करने वाले बेसिक ब्राह्मण बैठे हुए हैं, जो भगवान किसको मानते हैं, कृष्ण वाली आत्मा को भगवान मानते हैं। जो बच्चा बुद्धि है, सालिम बुद्धि नहीं है, भले बच्चा बुद्धि है लेकिन बच्चा बहुत प्यारा है। क्या बच्चा महात्मा होता है या दुरात्मा होता है, महात्मा होता है। तो बच्चों के बीच में जो 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि के वृक्ष के पत्ते हैं, उन पत्तों में अव्वल नंबर का पत्ता है या थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है, अव्वल नंबर का पत्ता है। उस पत्ते के लिए जो इस साकार मनुष्य सृष्टि का बाप है, मुकर्रर रथधारी, जिसमें शिव बाप आत्माओं का बाप प्रवेश करता है, उसका प्रैक्टिकल में बच्चा बनता है। क्या संगम युग में अव्वल नंबर का प्रैक्टिकल में नहीं लेकिन अव्यक्त में सेवाधारी अव्वल नंबर बनता है आत्मा। कौन? ब्रह्मा वाली आत्मा, हनुमान के रूप में राम, जिसे भगवान कहा जाता है, उसका दुनिया में सबसे बड़ा सहयोगी बनता है या नहीं बनता है, है? अव्वल नंबर का बनता है। तो ये अव्वल नंबर का जो सहयोगी है वो जो अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है, अल्लाह ऊंचे ते ऊंचा, अव्वल दीन, अव्वल नंबर का धर्म स्थापन करने वाला अलफ, वो अलफ जिसे बे नहीं कहा जाता, बे माने पड़ा हुआ डंडा, बे माने पड़ा हुआ डंडा, अव्वल नंबर का खड़ा हुआ डंडा कहा जाता है। पुरुषार्थ के रास्ते पर वो आदि से लेकर के अंत तक वो आत्मा हार नहीं खाती, हार खाती है नहीं। हार नहीं खाती, देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि, लाश गुम हो जाए तो हो जाए लेकिन आत्मा कार्य संपूर्ण करके षष्ठी रंगमंच से जाएगी या पहले चली जाएगी, संपूर्ण करके जाती। तो जैसा बाप वैसा बच्चा, संगम युग जो मनुष्य सृष्टि का बाप साबित होता है
उस बाप बीज का जो पहला नंबर पत्ता है सृष्टि का, वो भी ऐसा ही होता है। क्या? देहम वा पातयामी, कार्यम वा साध्यम। देह बलि चली जाए लेकिन ब्रह्म राक्षस बन करके काम पूरा करके जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को नहीं। तो कार्य पूरा करने में सहयोगी बनता है या नहीं बनता है? हैं? बनता है। इसलिए बताया कि वो प्रैक्टिकल में आए हुए भगवान बाप साकार का बड़े से बड़ा सहयोगी तो है, राइट हैंड तो है, लेकिन क्या नहीं है, है? शरीरधारी नहीं है, मुकर्रर रथधारी नहीं है, सदा सत्य नहीं है। इस सच रूपी रंगमंच पर 50 वर्ष का पार्ट उसका कम हो जाता है। पूरा 50 वर्ष पूरे होने पर क्या, कितने वर्ष पूरे होने पर? 50 वर्ष पूरे होने पर वो आत्मा बाप को पहचान लेती है, प्रैक्टिकल में आए हुए साकार बाप को पहचान लेती है या नहीं पहचानती है? पहचान लेती है, और पहचान करके सहयोगी बनने का प्रयास करती है या विपरीत बुद्धि बनती है? सहयोगी बनती है। पूरी पढ़ाई पढ़ेगी या छोड़ देगी? पूरी पढ़ाई माने क्या? आत्मा के 84 चक्र को जानना, आत्मा के अंदर क्या पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का, वो जान लेना, ये आत्मा की पढ़ाई पूरी हुई। 84 के चक्र में इस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में दुनिया की 500-700 करोड़ आत्माओं में से किनके किनके साथ मेरा हिसाब किताब है, वो क्लियर हो जाए तो है सच्चा पार्टधारी। वो पार्टधारी क्या जो रंगमंच पर आकर के खड़ा हो जाए और उसे भूल जाए कि मेरा पार्ट क्या, तो बेवकूफ पार्टधारी कहा जाएगा या होशियार कहा जाएगा, बुद्धिमान कहा जाएगा? है बुद्धिहीन या बुद्धिमान? तो ये 40 वर्ष बीज रूप आत्माओं के पूरे होने पर, बाप के खास 40 वर्ष पूरे होने पर वो बच्चे की पढ़ाई शुरू होती है, खत्म नहीं होती। वो बात को मानना शुरू करता है। इससे पहले विरोधी था या मानने वाला था? विरोधी था। बाप की वाणी का प्रेम पैदा हो जाता है। जब प्रेम पैदा हो जाता है तो मेरा बाप क्या क्या समझेगा? औरों का बाप नहीं, पहले मेरा बाप। 500 करोड़ पत्तों में और पत्तों का बाप नहीं, पहले मेरा बाप। ये लक्ष्य धारण कर लेता है और वो लक्ष्य धारण करके जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आते हैं। तो सबसे जास्ती सहयोगी बनता है, भले स्थूल शरीर नहीं है तो भी सूक्ष्म शरीर होते हुए भी वो आत्मा के संस्कार
वो आत्मा का स्वभाव पूरा ही मनमना भव होकर रहता है या विपरीत बुद्धि हो जाता है? कभी कभी नहीं, कभी भी विपरीत बुद्धि नहीं, सदैव प्रीति बुद्धि होकर पुरुषार्थ करता है। और उसके लिए भी टाइम बता दिया। क्या टाइम बता दिया? 40 वर्ष। तुम बच्चों के जब 50 वर्ष पूरे होते हैं तो पूरी राजधानी तैयार हो जाती है तुम 4.5 लाख बच्चों की। क्या अधूरी या पूरी? जब पूरी राजधानी स्थापन होगी तो पूरे जोर शोर से विश्व युद्ध शुरू होगा या धीरे धीरे होगा? है पूरा विनाश शुरू हो जाता है। तो ये महाभारी महाभारत युद्ध की आखिरी आहुति खास भारत में जो गाया हुआ है, कौन से देश का युद्ध? महाभारत युद्ध यहां संपन्न होता है। कौन से सन में है? 2028। जब ये युद्ध पांडवों का शुद्ध युद्ध, पांडवों का अंतिम युद्ध समाप्त होगा तो उस राजधानी से टक्कर लेने वाला कोई भी इस्लामी, कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी बौद्ध, कोई भी धर्म का धर्माधीश राज्याधीश उससे टक्कर लेकर के जीत पाएगा? नहीं, हाँ हार ही यार। जीतने का सवाल ही नहीं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि इस सृष्टि पर एक ही आत्मा है जो सदा विजयी होती रही है युद्धों में, कभी उसकी हार होती ही नहीं। उसके ऊपर कितने भी आततायी आक्रमण करें, क्या, लेकिन वो हर युद्ध में राक्षस घुस जाता है। हर युद्ध में जीत ही जीत होगी। तो नारायण की प्रति युद्ध करते हैं उसके बारे में है? तो नारायण की प्रति युद्ध करते हैं, वही हार खाते हैं। इसलिए आज की दुनिया में जो बाहर की दुनिया में जनता पार्टी बनी थी ना, भक्ति मार्ग की जनता पार्टी, अज्ञानता पार्टी नहीं, कौन सी पार्टी? जनता पार्टी, जिसका ऊंची कुर्सी पर बैठने वाला अभी कौन है? नरेंद्र मोदी, नर इंद्र मोदी। नर माने मनुष्य, मनुष्यों के बीच में कैसा मनुष्य? इंद्र राजा, मनुष्यों का राजा। कैसा राजा? जिसने सारी मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों की बुद्धि को मोड़ दिया। झाड़ में, चित्र में वो प्रूफ दिखाया है। सारी मनुष्य सृष्टि की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की बुद्धि को मोड़कर अपनी ओर खींच रहा है और खींच करके बाप के घर में ले जा रहा है। तो असली कृष्ण भगवान कौन हुआ? है संगम युग में कृष्ण की आत्मा, जिसका भक्ति मार्ग में गायन है भगवान के रूप में, वो आत्मा जब उसके साथ मेल करके एकाकार हो जाती है,
तो संगम युगी कृष्ण कहा जाता है। क्या सत्यु का कृष्ण क्यों नहीं, आत्मा है उसमें वही जिसने स्वभाव संस्कार को एक कर लिया, परंतु उसका गायन वास्तव में संगम युग में नहीं है, क्योंकि जो नाम कृष्ण है वो शरीर के ऊपर पड़ता है या सूक्ष्म शरीर और निराकारी आत्मा के ऊपर पड़ता है। साकार का एक गायन नाम शरीर का होता है या आकारी निराकारी आत्मा का होता है? आकारी आत्मा का तो नाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाम काम के आधार पर होता है। क्या नाम काम के आधार पर होता है, और काम पाप आत्मा ही करेंगी या पुण्य आत्मा ही करेंगी है? भगवान का काम, असली काम तो किसका है? भगवान का। तो भगवान का काम पापात्मा ही करेंगी या पुण्यात्मा ही करेंगी है? पुण्यात्मा ही करेंगी, और पुण्य वो ही करते हैं जो भगवान की वाणी को, जिस वाणी में कर्म अकर्म विकर्म की गति भरी हुई है, समझती है। तो कृष्ण की आत्मा तो समझती ही नहीं है, समझती है, लंबे समय तक नहीं समझती। इसलिए न समझने के कारण जो कर्म करेगी कोई भी इंद्रिय से, चाहे आंखों से, ज्ञान इंद्रियों से, चाहे कर्म इंद्रियों में जो प्रबल है काम इंद्रिय से, उन इंद्रियों को जीत पाएगी? काम जीते जगत जीत बन सकती है? नहीं बन सकती। और काम जीते जगत जीत नहीं बन सकती, तो वो आत्मा पाप आत्मा की लिस्ट में आ सकती है या नहीं आ सकती है? जरूर आती है। और पाप आत्मा जो बनते हैं वो ही बनते हैं जो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। क्या पाप करते हैं तो ज्यादा पापों का वजन उनके ऊपर न चढ़ जाए, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है ड्रामा में। सूक्ष्म शरीरधारियों का कोई पाप बनता ही नहीं, जिसमें प्रवेश करते हैं उनका पाप बनाए देते हैं, और सूक्ष्म शरीरधारियों का कोई पाप नहीं बनता। तो देखो ड्रामा कैसा बना हुआ है, वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं आखरीन भी पापात्माओं की लिस्ट में है या पुण्यात्माओं की लिस्ट में? आखरीन पुण्यात्मा की लिस्ट में है। शरीर से, जब शरीर से पुण्य किया ही नहीं तो पुण्यात्मा कैसे? जब कृष्ण वाले आत्मा जब अव्यक्त रूप में तो संगम शरीर में है, वो भी पुण्यात्मा बनते हैं। अभी है, अभी नहीं, जब होगी तो उसका अपना शरीर होगा? नहीं है, जिसका शरीर होगा उसका नाम पड़ेगा, जिस आत्मा का अपना शरीर होगा उसका नाम पड़ेगा, या जिसका अपना शरीर है ही नहीं सिर्फ आत्मा है उसका नाम पड़ेगा? है, है? उसका नाम तो संगम युग में उसका नाम बाला होता है। संगम युग है अंतिम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। क्या अंतिम युग है? अंतमते सोगते, अंतिम होने की वजह से बड़ा प्रभावशाली है। आदमी मरते समय अंत समय में जो संकल्प करता है अंतमते सोगते बन जाती है। तो देखो पाप आत्माओं की लिस्ट में अव्वल नंबर पावरफुल कौन हुआ?
पाप आत्माओं की लिस्ट में। आत्मा माने सूक्ष्म शरीरधारी हो या शरीरधारी हो, हाँ जी सूक्ष्म शरीरधारी जितने भी हैं विधर्मी सूर्यवंश के विपरीत कर्म करने वाले वो सब पाप आत्माओं की लिस्ट में आते हैं, सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, अकाली मौत होती है। अकाली मौत होती है या हत्या करते हैं या अपनी हत्या करते हैं शरीर की, तो पाप करते हैं ना, क्या अज्ञानी हुए ना, इसलिए बड़े से बड़ा पाप आत्मा कौन हुआ? ब्रह्मा दुनिया का। कोई कोई तो आंखें फाड़ के गुस्से से देख रहे हैं कैसे बोलता है, हैं? हाँ जी अज्ञानता के कारण बड़ा भारी पाप हो जाता है, और सबसे बड़ा अज्ञान है बाप को न पहचानना। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? बाप को न पहचानना। तो ये अज्ञान काल में बड़ा पाप हो जाता है। कैसा पाप? जो भी चंद्रवंशी हैं, चंद्रमा से पैदा होने वाले, चंद्रमा को फॉलो करने वाले, जो भी इस्लाम वंशी हैं, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले या इब्राहिम को फॉलो करने वाले, जो भी क्रिश्चियन वंशी हैं, क्रिश्चियन को क्राइस्ट को फॉलो करने वाले या क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले, वो सब रावण संप्रदाय बनते हैं। क्या सब रावण संप्रदाय? मायावी संप्रदाय। और वो सब ब्रह्मा की गोद में खेलते हैं। किसकी गोद में? ब्रह्मा की गोद में खेलते हैं। अम्मा का ये स्वभाव होता है कि जो भी गोद के बच्चे हैं, चाहे पहले नंबर का बच्चा हो चाहे लास्ट नंबर का बच्चा हो, अपनी गोद से अलग नहीं करना चाहती। लुच्चा हो, लफंगा हो, चोर हो, डकैत हो, कितना भी दुष्ट कर्म करने वाला हो, उस बच्चे के ऊपर आफत आएगी, क्या वारंट निकलेगा मान लो, तो क्या चाहेगी? इधर उधर जाके न छुपे, मैं जहां उसे छुपाना चाहूं मेरी शरण में रहे। अपनी गोद से बाहर करना चाहेगी बच्चे को? नहीं करना चाहते। लूला, लंगड़ा, अंधा, कोढ़ ही बच्चा हो जाता है। भले मां ज्ञान में चलती है तो भी उस बच्चे को छोड़ देती है क्या? कि परवरिश करती है, हैं? अंत तक परवरिश। ये मां का स्वभाव है। और दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी सहन शक्ति वाली माता है ही ब्रह्मा। उससे जास्ती सहन शक्ति और किसी मनुष्य आत्मा ने धारण की नहीं और करेगी नहीं और करती भी नहीं है। शारीरिक रूप से जिसका नाम जगदम्बा पड़ता है, वो जगदम्बा नामधारी तो है शरीर के आधार पर, लेकिन सहन नहीं कर सकती, क्योंकि उस शरीर धारणी जगदम्बा माता को भी गाइड करने वाला, चलाने वाला जगदम्बा, जब 500-700 करोड़ की जगदम्बा बनती है सारे विश्व धर्मों की अम्बा, तो उसके मस्तक पर, महाकाली के मस्तक पर कौन दिखाते हैं? कौन उसको चलाता है? वो उसकी आत्मा है। तो आत्मा पार्टधारी है या शरीर पार्ट का पार्ट बजाता है? तो ब्रह्मा ही असली जगदम्बा है, वो ही महाकाली का पार्ट भी बजाता है। क्या कहा? महाकाली का पार्ट बजाता है। क्यों?
जिसने बहुत सहन किया है संगम युग में, ये लास्ट जन्म में शरीर धारण करके जिसने सहन करने की अति कर दी, तो अति का कभी अंत होगा या नहीं होगा? है, यह शरीर छोड़ दिया तो शरीर छोड़ने के बाद वो अंत हो जाता है सहन करने का, वो ही धर्मराज का पार्ट बजाती है। धर्म का राजा धर्मराज, क्या धारणा का राजा, धारणाओं में सबसे बड़ी धारणा सहन शक्ति। तो सहन शक्ति का जो बड़े से बड़ा पार्ट बजाता है वो ही, जिन्होंने सहन कराया है उसको ब्राह्मण जीवन में ब्रह्मा को, उनसे बदला लेगा या नहीं लेगा? इसी षष्ठी रूपी रंगमंच पर बदला लेगा या अगले कल्प में लेगा? इसी षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो जगदम्बा में प्रवेश करके, जिसे प्रकृति नाम दिया जाता है, प्रकृति भगवान की प्रकृष्ट रचना है, उसमें प्रवेश करके महाकाली का ऐसा पार्ट बजाता है भयंकर कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को अनिश्चय बुद्धि की मौत मार डालता है। क्या भक्ति मार्ग में दिखाया, खांडा लेता है, ये गला काटता है। अरे गला काटने का मतलब है आत्मा को अलग कर दिया और देह को, देह अभिमान खत्म कर दिया। क्यों? असुरों को मारती है महाकाली या देवात्माओं को पहले मारेगी? असुरों को पहले खात्मा करती है, फिर जो देवात्मा सत्युग त्रेता में होते हैं वो भी कलयुग के अंत में आकर के बड़े से बड़े राक्षस बनते हैं कि नहीं? है, तो उनका गला नहीं काटेगी? है, उनका भी गला, सब पतित हैं इस दुनिया में, पावन कोई है ही नहीं एक के सिवाय। तो प्रकृति माता प्रकृति पति को छोड़ करके, क्योंकि उसके ऊपर उसका बस चलता ही नहीं, प्रकृति पति जो है वो प्रकृति का कंट्रोलर है या उससे कंट्रोल्ड होने वाला है? कंट्रोलर है। ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, ज्ञान जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन सत्य का ज्ञान, असत्य का ज्ञान नहीं। और वो सत्य को धारण करने वाला पहले जन्म से लेकर के आखिरी जन्म तक भी सत्य स्वरूप ही धारण करके रहता है, सिर्फ संगम युग को छोड़ करके। क्योंकि जो जितना बड़ा सत्व प्रधान बनेगा उतना बड़ा तमो प्रधान भी बनना चाहिए, जितना नीचे जाएगा उतना ऊपर भी आएगा, नीचे नहीं गिरेगा ऊपर भी नहीं आएगा। तो पतितम कामी कांटे में भगवान आकर के पावनतम देवता बनाते हैं, देवता ही नहीं बनाते, ज्ञान सूर्य आप समान बनाते हैं। भगवान ने आकर किसको ज्ञान दिया? सूर्य को दिया। तो जो ज्ञान सूर्य है वो ज्ञान सूर्य से रोष लेने वाला जो बच्चा है, सिर्फ बाप का बच्चा है या माँ का बच्चा है? है? सूर्य से पैदा होता है चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य से पैदा होता है, सूर्य में से निकलता है, माता से निकलता है। चंद्रमा कहां से निकलता है? माता से निकलता है। तो जब द्वापर शुरू हुआ तो वो अधूरा चंद्रमा बनने लगा। क्या
और प्रत्यक्ष होने लगा। वो अधूरा चंद्रमा अधूरा क्यों बनता है? मां की गोद में है तो बाप का बच्चा है, और मां की गोद से छिटक के अलग हो गया तो अधूरा हो गया। अधूरा है तो अधूरे धर्मों का हो गया या संपूर्ण सूर्यवंशियों का रहा है? अधूरे धर्म को सपोर्ट करने वाला हो गया। मना ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले जो भी बच्चे हैं, कोई भी धर्म के हों, विधर्मी हों, स्वदेशी हों, विदेशी हों, उन सभी धर्म के बच्चों को गोद में रखना चाहता है, सपोर्ट करने वाला है। पापी से पापी बच्चों को भी सपोर्ट करने वाला है, सपोर्ट करता है मां के रूप में। और मां के रूप में पार्ट बजाने वाली जितनी भी चंद्रवंशी ठेठ आत्माएं, ठेठ चंद्रवंशी, वो बच्चों को फॉलो करेंगी या बाप को फॉलो करेंगी? बच्चों को फॉलो करेंगे। आज भी दुनिया में क्या है, माताओं का दिल पति की तरफ जाता है कि बच्चों की तरफ जाता है? हैं? सारा दिल किसको दे देती है? बच्चों को। वो बच्चे जो हैं, वो कृष्ण जैसे बच्चे हैं या राम जैसे बच्चे हैं? हैं? कृष्ण जैसे बच्चे हैं, बच्चा बुद्धि है। भगवान के ज्ञान को पूरा समझने वाले, भगवान को पहचानने वाले नहीं हैं। जो भगवान निराकार सो क्या है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। सगुण माने साकार, निर्गुण माने निराकार, दोनों एक ही हैं, एक ही पर्सनालिटी है, कोई दूसरी पर्सनालिटी नहीं है। वो बाप के रूप में पार्ट बजाए, टीचर के रूप में पार्ट बजाए, सदगुरु के रूप में पार्ट बजाए, तो भी पर्सनालिटी एक ही है, कोई दूसरी पर्सनालिटी नहीं। तो वो एक जो है वो बाप है और दूसरी मां है। तो मां का मोह खत्म हो जाए तो समझो माताओं ने परीक्षा जीत ली। क्या माताओं का विशेष घातक विकार कौन सा है? हैं? मोह। और उन माताओं में अव्वल नंबर कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा शरीर है कि आत्मा है? शरीर है, जड़ है। जड़ तुम्हें ही बुद्धि वाली है कि बाप को पहचानने वाली है? हैं? बाप को पहचानती नहीं, माने जड़ तुम्हें ही बुद्धि है, जैसे ब्रह्मा भी जड़ तुम्हें ही बुद्धि है। न पहचानने के कारण फिर है, जो आतताई बच्चे हैं, दुखदाई बच्चे हैं, पापात्माएं बच्चे हैं, उनका साथ देती है। लेकिन असल जो सूर्यवंशी हैं उनका साथ नहीं देती। तो यही बात है, दुनिया की ज्यादा से ज्यादा आबादी विधर्मियों विदेशियों की है या स्वधर्मी स्वदेशी सूर्यवंशियों की है? जो देवताएं सचमुच त्रेता में देवात्मा थे वो ही द्वापर युग से हिंदू बन गए, और वो ही हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। तो हिंदुओं की जो असल हिंदू थे, हिंद माने हिंसा, दू माने दुईते, हिंसा को दूर करने वाले, काम विकार की हिंसा को युद्ध करके, क्या जीत कब होती है? युद्ध करेंगे तभी जीत होगी ना, के बाप खड़े होंगे तब जीत होगी, है? युद्ध करेंगे तो जीत होगी।
तो जो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट है, गुरु नानक दूसरे धर्म वाले उनके फॉलोअर बच्चे हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं या कच्चे हैं? प्रवृत्ति जो बनाते हैं पहली पहली, उसके साथ सारा जीवन निभाते हैं कि छोड़ छाड़ के दूसरी तीसरी चौथी करते रहते हैं, कांटों के जंगल में घुसते रहते हैं, वो निभाते ही नहीं। पक्का प्रवृत्ति मार्ग का धर्म कौन सा हुआ? सनातन धर्म, जिसे सूर्यवंश कहा जाता है। वो सूर्यवंशी पक्के सनातन धर्म वंशी हैं। स्वधर्मे निधनम से यह, क्या स्व स्व माने क्या? आत्मा। आत्मिक स्थिति में निधनम मृत्यु को पाते हैं। निधन माने है मृत्यु। मृत्यु पाएंगे तो कब पाएंगे? आत्मिक स्थिति जब पक्की बन जाएगी तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु भी पाए आत्मिक स्थिति में तो भी अच्छा, नहीं अच्छा? क्यों? 4.5 लाख वां बच्चा, वो भी आत्मिक स्थिति में शरीर छोड़ेगा, नहीं? बीज है या नहीं? बीज बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो जो बीज रूप स्थिति में आखिरी बीज है वो शरीर छोड़ता है, तो वो सूर्यवंश का लास्ट प्रजावर्ग का बनता है। बनाने या न बना? बना है। उससे कहा जाए जो 7वें 8वें नंबर का नारायण है उसकी प्रजा बनोगे, अब्बल नंबर की प्रजा बनोगे, नारायण बनोगे? अरे शेर के बच्चे बनकर के रहोगे, छोटे से छोटा लास्ट बच्चा, या गधेड़ का अव्वल नंबर का बच्चा बनोगे? है तो वो तो कहेगा हम तो लास्ट नंबर में भले आ जाएं, लेकिन हम गधेड़े के बच्चे नहीं बनेंगे। तो ये है कोई महावीर पुरुषार्थी, महावीर के बच्चे, शेर के बच्चे, कोई है हाथी रूपी महारथियों के बच्चे, कोई है घोड़ों के बच्चे, कोई है ऊंट के बच्चे, कोई है गधेड़ों के बच्चे, और कोई है खच्चर के बच्चे। वजन ही वजन ढोता है, तो क्या बनना अच्छा? शेर के बच्चे बनना अच्छा। इसलिए सूर्यवंश में भले प्रजावर्ग में लास्ट बच्चा भी बनूं तो भी अच्छा है। क्या किसका साथी बनेगा? शेर का ही साथी बनेगा जन्म जन्मांतर, और उसका साथी बनेगा तो विजयी ग्रुप में आएगा या हार खाने वाले ग्रुप में आएगा? विजयी ग्रुप में आएगा, और विजय का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। क्या? युद्ध करने के बाद ही राजाई प्राप्त होती है, कि बिना युद्ध करे राजा बनता है कोई? है तो भगवान आते हैं ये माया रावण से युद्ध करना सिखाते हैं, कहते हैं ये मंदिर में तुम्हारा सैंपल रखा हुआ है, कौन? शिवलिंग युद्ध कर रहा है। क्या युद्ध कर रहा है या भाग रहा है? हैं? युद्ध कर रहा है। ये तुम बच्चों शालिग्राम का यादगार है, शालिग्राम लिंग रूप में दिखाए जाते हैं, उनको हाथ पांव नाक कान नहीं होते, उनमें बड़े ते बड़ा जो है वो है शिवलिंग।
उसका नाम शंकर लिंग नहीं है, क्या शिवलिंग है। माने शिव की आत्मा उसमें प्रवेश हो करके जब पार्ट बजाती है प्रैक्टिकल में, कब बजाती है, जब वो पुरुषार्थ करके आप समान बनता है। क्या बन जाता है, आप समान निराकारी बना तो शिव हुआ या नहीं हुआ। इसलिए शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं भक्ति मार्ग, शिवंशी बच्चे कहते हैं। हाँ जी, तो जो शिवो अहम कहने वाले बच्चे हैं शैव संप्रदाय, वो शिव होते नहीं है। क्या, क्योंकि शिव जिसका नाम है वो तो बिंदी का नाम है, वो तो एक ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर में, वो जब संपन्न बनता है निराकारी निर्विकारी निरहंकारी शिव समान बनता है संगम युग में, तो अपने बच्चों में प्रवेश करता है 4.5 लाख, वो शालिग्राम के समान है। उन बच्चों में प्रवेश करके यादगार बनती है भक्ति मार्ग में, कि जब रुद्र यज्ञ रचते हैं, कोई सेठ लाख शालिग्राम बनाते हैं, कोई 2 लाख, 2-4 लाख शालिग्राम बनाते हैं। क्या, ये किसकी यादगार, यहाँ की यादगार। तो वो बाप समान आत्माएं हैं, बच्चा बुद्धि आत्माएं नहीं है। जो बच्चा बुद्धि आत्माएं हैं, उन बच्चा बुद्धियों को अव्वल नंबर में जो बच्चा बनता है वो कौन, कृष्ण बच्चा। भक्ति मार्ग वालों ने उसको भगवान मान लिया। तो कृष्ण भगवान नहीं है जो कहे मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन है भगवान, संगम है। साकार सो निराकार में भगवान कौन है, नेक्स्ट टू गॉड है, नेक्स्ट टू गॉड जो है, जो 16,000 भगों के ऊपर कंट्रोलर है, परंतु सदाकाल का कंट्रोलर नहीं। तब का कंट्रोलर है जब शिव उसमें उस लिंग रूप में साकार रूप में बड़े रूप में प्रवेश करे। कब प्रवेश करता है, जब याद की स्टेज में प्रैक्टिस करते करते वो अपनी इंद्रियों को भूल जाए। इसलिए वो यादगार लिंग दिखाई है, उसने इंद्रियां दिखाते हैं ना, कान कान टांग हाथ दिखाते हैं, नहीं दिखाते। वो निराकारी स्टेज जो है, वो बाप समान स्टेज, वो ही बाप है मनुष्य सृष्टि का। तो उसको कहेंगे कृष्ण, कृष्ण माने आकर्षित करने वाला। झाड़ के चित्र में वो ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है शंकर का रूप, 500 करोड़ आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। माने इस सृष्टि की किसी भी धर्म की कोई भी आत्मा क्यों न हो, नास्तिक धर्म की ही आत्मा क्यों न हो, जिसने जीवन में कभी भगवान को स्वर्ग को नरक को माना ही नहीं, देवताओं को माना ही नहीं, वो आत्मा भी अंतिम टाइम में अंतिम समय में विनाश काल में उसको पहचानेगी, और पहचान करके दिल के अंदर धारण करेगी, उसी को याद करेगी। क्या, किसके दिल में वास करेगी, उसी के दिल में वास करेगी। किसके दिल में, शिव के दिल में, शिव को दिल होता ही नहीं है, शिव बाबा के दिल में वास करती है और आकृष्ट होकर के खींची चली जाती है, सत्यधाम की ओर पहुंचती है। तो देखो कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण का नाम गीता में गलत डाल दिया है, वो आकर्षण स्वरूप नहीं है। सिर्फ कहते हैं कि बाप कहते हैं बेहद का
वो सबका बाप एक है। अरे सबका बाप एक है तो कृष्ण को सभी धर्म वाले मानना चाहिए, मानते हैं है? सभी धर्म वाले निराकार को मानते, देवता धर्म वाले, हिंदू धर्म वाले, क्रिश्चियन धर्म वाले, मुसलमान धर्म वाले, सभी धर्म वाले निराकार को मानते हैं। हिंदू धर्म वाले भी निराकार साकार को मानते हैं। सभी आत्माओं का बाप, शरीरधारियों का नहीं, सभी आत्माओं का बाप एक है। कृष्ण को कहने से दुनिया के जो मनुष्य हैं सब मानेंगे ही नहीं, क्या कि कृष्ण भगवान बाप है। नाम से ही साबित नहीं होता काम। नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण माने आकृष्ट करने वाला। कृष्ण ने 16,000 गोपियों को, 16,000 भगों को आकर्षित करके अपने कंट्रोल में नहीं लिया। क्या किसने लिया? शिव बाबा ने लिया। आत्माओं के बाप शिव ज्योतिबिंदु ने नहीं लिया। किसने लिया? जब वो साकार में प्रवेश करता है तो साकार निराकार के मेल, जिसे शिव बाबा कहा जाता है, उसने उन 16,000 को कंट्रोल में ले रखा और 5,000 वर्ष के ड्रामा में अंतिम क्षण तक भी, जब महामृत्यु का समय होता है तो देश विदेश में कंट्रोलर होते हैं कि नहीं? होते हैं कि नहीं? सन 36-37 तक भी इस दुनिया में अलग अलग कंट्रोलर होंगे या नहीं होंगे? है? होंगे ना। उन कंट्रोल करने वालों में जो श्रेष्ठ कंट्रोलर हैं वो प्रजातंत्र वाले हैं या राजतंत्र वाले राजाएं हैं? कंट्रोलर राजा। जो प्रजातंत्र वाले हैं, प्रजातंत्र बनाते हैं, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य करते हैं, भगवान बाप कहते हैं, वो है बेकायदे राज्य। क्या बेकायदे राज्य? क्योंकि भगवान ने जो राजाई स्थापन की, जो राजा बनाए, जिन आत्माओं को राजा बनाया, वो राजा दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। ये राजाई का ज्ञान दुनिया में किसी ने नहीं दिया, न थ्योरी में दिया न प्रैक्टिकल में दिया। दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, एक को छोड़ करके, वो सब आधीन बनाने वाले हैं। स्वाधीन बनाना नहीं सिखाते। बनाते हैं? कोई भी विधर्मी को, विदेशी को देख लो, स्वाधीन बनाया हिस्ट्री में या आधीन बनाया? है आधीन बनाया। एक ही भगवान है। तो बाप को मानेंगे जरूर, मानेंगे भविष्य में कि वर्तमान में कि पास्ट में? माना भविष्य में, अभी इसी जन्म में ऐसा टाइम आने वाला है जल्दी कि सारी दुनिया के सब धर्म के मनुष्य एक बाप को भगवान मानेंगे जरूर। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। क्या बाप कहते हैं? बिंदी कहती है क्या? आत्माओं का बाप सिर्फ कहता है क्या? बिंदी कहती है? उसको अपना मुख है जो कहे, तो कौन कहते हैं? है शिव बाबा कहते हैं। उसको शिव बाबा भी कहते हैं। वो आत्माओं का बाप भी है, वो मनुष्यों का बाप भी है। है एक ही पर्सनालिटी, एक ही व्यक्तित्व, एक ही शख्सियत। वो कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि वो ही लिबरेटर है। इस सारी मनुष्य सृष्टि रूपी पिंजड़े में फंसे हुए जो हैं, उनको लिबरेट करने वाला है,
छुड़ाने वाला है। क्या ये पिंजरे में फंसे हुए वो कबूतर हैं? सब फंसे हुए हैं, सब रावण की जेल में, सब सीताएं हैं। किसकी जेल में? रावण की जेल में। प्रजातंत्र राज्य में प्रधानमंत्री है, अमेरिका राष्ट्रपति है, वो सर्वथा स्वाधीन है? है नहीं? किसी न किसी के अधीन रहना ही पड़ता है। सब इस दुनिया में रावण की जेल में फंसे हुए हैं। रावण माने रुलाने वाला। क्या? कोई मन से रोते हैं, कोई आंसुओं से रोते, रोते जरूर हैं सब। यहां आकर के वो एक ही बाप है, वो ही सबको लिबरेट करेंगे ना। उसके अलावा और कोई भी 2500 वर्ष की हिस्ट्री में इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट कोई भी नहीं आया जिसने किसी को लिबरेट किया हो, स्वतंत्र किया हो। क्या? स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो, ऐसा बनाया हो। पावन भी तो यहां ही आकर करेगा ना। क्या ऐसे नहीं, पावन धाम में पावन करेगा। यहां आकर के जहां अपवित्र बन जाते हैं सब, सुख भोगते भोगते इंद्रियों से। क्या पतित कैसे बनते हैं? चाहे वो देवताएं ही क्यों ना, सुख भोगते हैं कि नहीं? तो नीचे गिरते हैं कि नहीं? कलाएं कम होती हैं कि नहीं? है, कलाएं कम होती हैं। तो जिनकी कलाएं कम होते होते देवता से मनुष्य और मनुष्य से राक्षस बन जाते हैं। क्या? जानवर बन जाते हैं। जो राक्षस होते हैं, जानवर होते हैं, वो अपना सुख देखेंगे, स्वार्थ देखेंगे, दूसरे को दुख मिलता है, सुख मिलता है, ये देखेंगे ही नहीं। उनको जानवर या राक्षस कहा जाता है। तो वो लिबरेट कर ही नहीं सकते, अपनी आत्मा को ही लिबरेट नहीं कर सकते, खुद ही नीचे गिरते जाते हैं, तो दूसरों को लिबरेट कैसे करेंगे? कोई वहां बैठ करके परमधाम की स्टेज में बैठ करके कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या? देह में आत्मा प्रवेश करके कर्म करेगी, कर्म इंद्रियों से, तभी कुछ होगा ना। आते हैं, जन्म मनाते हैं भारत में। क्या? भगवान कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। भा माने रोशनी, ज्ञान की, रत माने लगा रहने वाला, उसकी ये निशानी है। क्या? भगवान जब इस संगम युग में आते हैं तो प्रैक्टिकल में ये निशानी है जीवन की, उसका सारा जीवन ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला होगा या अज्ञानता के भोग भोगने में लगा रहने वाला होगा? ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। ऐसे भारत में आते हैं, जड़ जमीन की बात नहीं है। क्या? चैतन्य आत्मा की बात है। फिर भारत माता में आते हैं या भारत पिता में आते हैं? माता में आते हैं। परिवार का भाग्य विधाता कौन होता है? भाग्य विधाता माता हो, माता सुनील भाग्य विधाता। वर्षा कौन देता है? तो सुख शांति का जो वर्षा देता है वो ही भाग्य विधाता हुआ ना। माता वर्षा देती है क्या? है, तो पिता वर्षा देता है, पिता ही भाग्य विधाता है बच्चों का। बच्चे किसके हैं? बाप के बच्चे कहे जाते हैं। तो भारत में आते हैं, भारत में जन्म मनाते हैं। पहले पहले किस में आते हैं? भारत में आते हैं। माता में आते हैं, हैं? कि पुरुष तन में आते हैं? भगवान को कभी पुरुष तन में ही, हैं? भगवान को पुरुष तन में ही दिखा दे हैं बाबा।
भक्ति मार्ग में तो पुरुष ही पुरुष रूप में दिखाया है, माता के रूप में तो दिखाया ही नहीं। तो जब माता के रूप में दिखाया ही नहीं तो जरूर पुरुष तन में ही आते हैं, ऐसे नहीं गुलजार दादी के तन में आते हैं निराकार बाप आत्माओं का। क्या किस में आते हैं? गुलजार दादी में आते हैं। पहले तो भाव रहता है। ओम शांति।